खबर रीवा से है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को लेकर जिला कलेक्टर एक्शन मोड में नजर आए हैं। उनका कहना है कि संबंधित कार्य में लापरवाही बरतने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशों के अनुसार राजस्व अधिकारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने वाले समिति प्रबंधकों एवं सेल्समैनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर उचित मूल्य दुकान भलुआ के विक्रेता को जेल भेजा गया है। वहीं रायपुर करचुलियान के सेल्समैन को भी जेल भेजा गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को निश्चित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण की यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहेगी। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प को। जैसा कि पहले मैंने बताया है, पीडीएस में अनियमितता अनटॉलरेबल है और इस हिसाब से हम लोग लगातार जांच और सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। और इसमें न केवल फूड को बल्कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, बैंक को और जो हमारी लीड की एजेंसी हैं, जो लिफ्टिंग की एजेंसी है, नान को, सभी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जहां भी कोई कमी दिख रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में दो जगह सेल्समैन की लापरवाही सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना लिफ्टिंग के लेवल पर ना वितरण के लेवल पर।